हाँ जी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी बताइए। आपने बोला कि जब आपके काम नहीं हो रहे तो इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता, तो उस टाइम सहजता से बैठ जाए, काम नहीं करें। बड़ी प्यारी बात है। अर्जुन की लाइफ के अंदर महाभारत होना था, झंझट हुआ, प्रकृति ये चाहती थी कि इनको सब कुछ ना मिले, तो उसने हाथ पांव छोड़ दिए, हथियार छोड़ दिए और बैठ गया। अब कैसे हो, वो तो काम ही नहीं करना चाहता, हिलना ही नहीं चाहता। ऐसा हो जाता है, हम जब हारे से महसूस करते हैं ईश्वर की इच्छा के आगे, तो हमारा बैंड बज जाता है। उस समय हमें समर्पण लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम समर्पण की स्थिति में आते हैं, गुरु प्रकट हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्रकट होता है। यानी आप शिष्य बनने, जब आप चीनी के लायक हो गए ना, तो आप चाय के लायक भी हो जाते हैं। आपके चीनी बनते ही चाय के लिए आप तैयार हो गए, तो गुरु तो मिल जाता है आपको रेडीमेड, उसी समय कृष्ण मिलेगा। तो अब आप गुरु का इंतज़ार करो, और उसके लिए भगवान बीच में मत डालो। भगवान ही करवा रहा है किसी के थ्रू, भगवान आपको निमित्त बनाता है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों को निमित्त बनाता है आपके लिए। इसलिए जो आपके निमित्त है उसे गाली मत बको, उसे भला भुला बोलना भगवान को भला भुला बोलने बराबर है। इसलिए ध्यान रखो, आपका काम किसी से कमीनेपन में भी हो रहा है उसे प्रणाम करो। आपका काम हो सकता है कृष्ण ये बोले कि रथ का पहिया फंसा है मारे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो भी प्रणाम करो कि भैया यही रास्ता है। अब आप रोज मच्छर मार देते हैं, पाप कर रहे हैं नहीं, प्रणाम है, निमित्त है, निमित्त बनना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। कितना सिंपल है। इसलिए पाप पुण्य की परिभाषा से ऊपर उठ जाओ। किस समय कौन आपका गुरु है कोई पता नहीं। मैं लगातार आप लोगों से पता नहीं क्या क्या सीखता रहता हूं, आपको पता ही नहीं कब कब मैंने कितनी जल्दी स्पीड में गुरु बना कर रखे सारे, क्योंकि मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, तो मुझे आपसे सीखने में ऊर्जा का प्रवाह स्वतः मिलेगा। हमारी अपनी मैं ही खत्म नहीं होती, मेरी मूछ ही नहीं नीची, सारा लफड़ा यही है। पूरा धर्म ही गुरु नानक देव का इस पे चल रहा है। सिख शिष्य को सिख बोलते हैं, श को ख बोलते हैं, श बोला जा रहा है शिष्य और सिख, सीख शिष्य बन। हमें शिष्यत्व में नहीं है, हम सीख के राजे में, कोई कुछ कह कैसे दे मुझे पहले पता है, लोगों को पहले पता होता है। परमात्मा कहता है मैं तेरा उससे काम कराऊंगा, हम वहां झुकना नहीं चाहते, और वहीं से शिक्षा देगा ईश्वर, हम सीखना नहीं चाहते, हर समय डंडा लेकर चले हुए कहां से होगा। हमारा प्रश्न था जी ब्रेक से पहले का, हाँ एक छोटा प्रश्न। एक वेदन की वजह से सारा सबको सजा मिली, वो क्यों मिली, मतलब एक ने कसूर किया तो जो सेना है सब उसकी। एक दुर्योधन की वजह से सबको सजा क्यों मिली, यूक्रेन युद्ध हो रहा है आप तो बचा, लेकिन पब्लिक मर रही है। यूक्रेन युद्ध हो रहा है आप तो बचा, पब्लिक मर रही है। आपको ये ध्यान देके चलना है, आपकी नजर जहां गई है ना, उसकी वजह से अगर कुछ हो गया तो इस पूरे को सजा मिलेगी, पूरा पिटता है ये, एक साम्राज्य है। जो जो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, हेड पिटेगा बाकी शरीर फ्री फंड में, ये ऑटोमेटिक है। इसलिए ये गांठ बांध के चलो कि आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आया है, आप उससे तो नहीं जुड़े हुए जिसके वजह से कष्ट आया है। घर में एक बहू आती है, आती बाहर से, पिटता बेटा है। घर में लड़की आई, परिवार के अंदर हिसाब है, उसके माँ बाप को अलग गाली पड़ रही है, वो फ्री फंड में मरते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से संगत के साथ रहना पड़ता है। इसलिए आपको देख के चलना आप किसके साथ हैं, किसके अंदर हैं। हाँ जी सर, आपने कहा कि शिष्य बने रहना चाहिए, बट कई बार होता है जहाँ पे आप सीखने जा रहे हो वहाँ सीखते सीखते आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हो, आपको पता है कि आप सिखा रहे हो, तो क्या वहां से इसके उस जगह से एस्केप नहीं कर जाना चाहिए कि यार ऐसे right। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर हमने आपसे सीखा, अब हमारा बटन ही बंद नहीं होता, अब तो हम ही सिखाने बैठ जाते हैं। मैं तो कोई बको, वो बह रहा है ना, अंदर रखना नहीं आता, बको सर, वो ईगो क्रिएट कर देता है। कोई नहीं, मेरे पास करेंगे मैं धो देता हूँ। बाहर होने दो, पिटेंगे, मेरे पास से पिटते रहेंगे ठीक करो, कांचा भी कसनी पड़ती है ना बार बार, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मेरे से सुन रहे हैं, मैं शब्द बोल रहा हूँ इसमें, इस बार मेरे से सुन रहे हैं, तब तक मैं सेट करके बैठा, जाओ खेलो बेटा, जिस दिन नहीं होंगे उस दिन मैं धागा काट देता हूँ, पिट पिटा के फिर आ जाता हूँ, इस बार घुटनों के पलाते हैं। भाई ज्यादा ही चौड़ में आते हैं तो मैं धागा काट देता हूँ, फिर वो अपने आप खेलते हैं, फिर जब गिर जाते हैं पिट जाते हैं फिर घुटनों के पलाते हैं, फिर और अच्छे शिष्य बनते हैं, तब और मजा आता है। हमारा भी तो घमंड है, हमें भी तो हमें मोड़ना है।
तो मैं हमारा तो यहाँ परमात्मा ने दिमाग खराब कर रखा है। तो सर वो पिटना भी तो नहीं है ना, बाहर जाकर पिटना है। अगर हम इस योग्य नहीं तो परमात्मा पीटता है। परमात्मा पीटेगा नहीं तो गहना कैसे बनेगा, गहना कैसे बनेगा, दाढ़ी कैसे साफ करते हो ऐसे प्यार से, जा निकल जा खाच। ये जटिल प्रक्रिया है, कांटे बहुत जोर से हटाने पड़ते हैं, जीवन की प्रक्रिया यही है। ध्यान, अब हम ध्यान पे बात करते हैं, ध्यान लगाना है, इस टिग्गी पे करेंगे हम ध्यान। अच्छा मैंने देखा है टिग्गी टिग्गी से कोई मजा नहीं है, इसमें ज्यादा मजा है टिग्गी टिग्गी, ठीक है तो ये वाली करनी है हमें, है ना, ठीक है ना, ये करके टिग्गी टिग्गी ये छिछोरेपन कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। क्या होता है अभी सब बात टिग्गी पे पहुंचने मत देना, मुझे बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। ध्यान लगाओ मिले बेबी, और एक हमारा मोटापा, दो बातें थी, पीछे का प्रश्न भी ले लिया हमने। ध्यान लगाओ, ध्यान कैसे लगाओ बेटा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पेपर करना, ध्यान से जाना, सब कुछ कर लिया। बच्चों को पता भी है ध्यान से कैसे जाते हैं, ध्यान क्या है। जब हमने टिग्गी टिग्गी किया तो हमने कब किया टिग्गी टिग्गी, हम तब कर पाए जब हमारा ध्यान सब जगह से हट गया, तभी कर पाए। तो जैसे ही हर जगह से ध्यान हट गया, सारा ध्यान ऊर्जा मेरे पास वापस आ गया। जैसे ध्यान ऊर्जा मेरे पास आई, अब मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ध्यान ऊर्जा से इतना लवरेज हूं, इतना भरा हुआ हूं कि मुझे टिग्गी टिग्गी करके कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई गंदी बात, अच्छी बात महसूस नहीं होती। दुनिया छोटे बच्चों को कहती बावला, यानी उसे पता ही नहीं, हो सकता वो मूर्खतापूर्ण तरीके से टिग्गी टिग्गी कर दे हर जगह। हम बड़े हैं, हम मैच्योर तरीके से टिक्की टिक्की करें कि ऐसा स्थान देखकर जहां किसी को हार्म नहीं हो। छोटा बच्चा तो हार्म करता नहीं, हम बड़े कर सकते हैं, हम मजाक बना सकते हैं किसी का, ऐसे संवेदनहीनता दिखा सकते हैं, किसी की मृत्यु पे गए वहां टिक्की कर रहे हैं, नो, वो टिक्की का जाप अंदर चला लो, जीवन को स्वीकारो, मृत्यु को भी स्वीकारो, लेकिन वहां टिक्की टिक्की का हल्ला नहीं मचेगा, वहां आपको उसमें रम जाना है। यदि आपके अंतर मन में सुमरन चल रहा है परमात्मा का टिग्गी टिग्गी के रूप में ही, तो आपको देख के उल्टा लोग शांत होंगे। पता लगा एक जो जिंदा बच गए उनका भी हार्ट अटैक की तैयारी है कि हाय बुआ जी आप क्यों चली गई, बुआ जी है नहीं, आंसर दे नहीं पा रही, मैं क्यों चली गई, वो लाश बन के पड़ी है, पता ही नहीं चला उन्हें आखिर तक बुआ जी क्यों चली गई। तो उनको शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉस हो गया, हम लॉस के बाद रोए जा रहे हैं, हाय क्यों हो गया। आप जैसे टिग्गी टिग्गी एक प्रकार से बात कहने के ध्यान ऊर्जा वापस कीजिए। जिस बच्चे ने पेपर दिया और पेपर ही दिया, उसका पेपर पूरा होता है। जिन बच्चों को पेपर आता सारा है लेकिन पेपर देते देते वो क्या सोच रहा है, इसका तो आंसर आता है मुझे, इसके तो फुल मार्क्स आएंगे, आगे चला गया, ध्यान भटक गया, उसने ध्यान से पेपर नहीं दिया, आखिर में कहता मम्मी 20 मार्क्स का छूट गया। आपने बच्चों को सिखाया, कभी भी बच्चों को हम यही कहते रहते हैं रिजल्ट अच्छा ना चित्रा, बच्चे का ध्यान ऊर्जा रिजल्ट पे चली गई। ध्यान में बाधा क्या है फिर? ध्यान में बाधा है भविष्य। और कौन जाता है भविष्य में? भविष्य में मुन्ना चला जाता है। ध्यान में बाधा मुन्ना है। पेपर मुन्ना ने देना है, मुन्ना के हिसाब से बॉडी चलेगी, बॉडी चला रही है, मुन्ना अंदर से बोल रहा है टिंकू काम कर रहा है, और मुन्ना थोड़ी देर के लिए चला गया बाहर, बॉडी रुक गई। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं ध्यान। ध्यान किधर है? मेरा ध्यान मेरे अंदर है, खत्म। इसीलिए बुद्ध ने बहुत प्रोपोगेट किया इस बात को कि सांस पे ध्यान दो। 24 घंटे सिर्फ एक चीज है हमारे पास जो सांस चल रही है अपने आप, इसलिए सांस पर ध्यान दो। सांस पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है ध्यान दे रहे हैं, इसका यह मतलब है बाहर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रक्रिया है, दो है ये। एक प्रक्रिया है सांस पर ध्यान देना, एक प्रक्रिया है बाहर ध्यान नहीं होना। जब ध्यान दे रहे हैं मेहनत लग रही है, जब बाहर ध्यान नहीं दे रहे स्वतः हो रहा है कुछ नहीं, साक्षी भाव स्थापित हो गया। ध्यान कौन कर रहा है? हाँ जी, ध्यान कौन कर रहा है? एक तो मन चला गया, एक ध्यान हम कर रहे हैं, मतलब अपने आप हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? मतलब अपने आप ध्यान, मन अपने आप भाग रहा है ध्यान लेके। टिक टिक घोड़ा क्लास किए, इसमें हमने डिटेल देखनी हो जिसने टिक टिक घोड़ा देखी है। ध्यान लेके मुन्ना भाग गया, मन हमारा भाग गया, अब हम ध्यान दे रहे हैं, ये मेरा मन जा कर रहा है, ये कौन है? स्वयं। जैसे इसने देखा मुन्ना को तो घोड़ा लेके भाग गया, मुन्ना कल्पना की गति से चलता है, उसी क्षण घोड़ा लेके आ जाएगा स्वयं के पास। ये सॉरी मैं आत्मा हूँ ये। और जैसे ही आप कहते हैं ना प्रीलिविंग हो गई, बहुत लोग कहते हैं ये तो प्रीलिव हो गया, क्या करना चाहिए जी उस टाइम? जैसे ही आपको पता चल गया ना प्रीलिव हो रहा है, उसी टाइम चेक हो गया,
बस आपके पता करने मात्र से ही आपकी प्री लिविंग कैंसिल हो गई, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप परेशान है यार, बहुत प्रीलिव होता है यार, बहुत प्रीलिव होता है। हाँ हाँ, पहले आपका 100 बार होता था, पता 100 बार चलता था, अब आपका 1,00,000 बार होता है और पता लग रहा है 1,00,000 बार होता है तो हमें पता ही नहीं था, और अब हर बार प्रीलिव होते ही आपको पता लग जाता है। मुन्ना प्रीलिव करना बंद कर देगा, मुन्ना जाप करना शुरू कर देगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं प्रीलिव नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को पता ही नहीं होता, ज्ञानी के सवाल खत्म हो जाते हैं, ज्ञानी के पास सारे प्रश्न होते हैं, सही उत्तर ये समझो उत्तर होते हैं, उसके पास सारे प्रश्न के उत्तर होते हैं, इसलिए प्रश्न है ही नहीं, सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल अपनी जगह खड़े हैं लेकिन सबके उत्तर है, प्रश्न धराशायी हो चुके हैं। प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न नहीं करना, प्रश्न जब तक है वो रहेंगे, उत्तर चाहिए। मुन्ना को सारी जानकारी चाहिए, ये स्त्रियों को ईश्वर ने विशेष हक दिया है, उनको सब कुछ पता करना है सर, क्योंकि उत्तर क्वेश्चन बहुत है, उत्तर है नहीं। इनके कुछ क्वेश्चन है हमारे जिसमें एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार। हाँ क्वेश्चन बता दो भाई, अभी मुझे पति पत्नी की लड़ाई भी करानी है। सर क्वेश्चन है कि क्या बागेश्वर धाम वाले यंग स्वामी जी के पास वाकई में शक्तियां हैं, और क्या आज के युग में भी ये संभव हो सकता है? तो इसको हम बाद में पॉडकास्ट पे डाल दें। हाँ क्या इसका आंसर आ जाएगा? पॉडकास्ट बन सकता है। इन्होंने भी तो मेडिटेशन ठीक है, चाय पीते हुए गूगल मीट पे भी बोला है कि रिक्वेस्ट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट बागेश्वर धाम सरकार, योर बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बताएं। ये तो मुझे भी यार मतलब खुशी नहीं है, अभी पति पत्नी की लड़ाई थी, ऊर्जा एक्सचेंज झगड़ते क्यों, ये बात ही खत्म कर दी उन्होंने। स्टाइल देखो मैं टशन पूरी टशन से जाऊंगा कुर्सी में, कुर्सी का मामला टावर होती है, घमंडी भी कोई चीज है। बागेश्वर धाम का क्या कार्यक्रम है, मैं ये कोई 1-2 महीने पहले की बात होगी, वैसे तो है 20 साल पुराने लेकिन 1-2 महीने पहले मैं जब मैं छोटा था जब मैं छोटा था, जब मैं 3 बार टिक्की 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 करता था, अब मैं 2 बार करता हूँ, अब मैं थोड़ा कम छोटा हूँ। तो उस समय हमारे पास क्या हुआ, मेरे को बड़ी समस्या हुई, उस समय दिमाग ही खराब तो सारी समस्या ही होती थी। तो मुझे बाबा जी का पता चल गया, वो क्या करते थे जी, वो सिगरेट पीते थे, वैसे वो बीड़ी पीते थे लेकिन वो उस समय सिगरेट पीते थे, जब उनके अंदर प्रवेश आता था किसी का, फिर वो गए जी उनके पास, हम भी बैठ गए। अच्छा लोग हमारे पास आ रहे पूछने हमारा क्या होगा खा लिया, पर जब हमने नमक खा लिया तो हम भी चले गए। क्या यार ये समस्या तो मुझे भी नहीं सूझ रही। अब देखो परमात्मा का पंगा, उसने पीट पीट के सिखाया कि बेटा ये तो सीखा नहीं तूने। अच्छा मैंने कहा यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, चले गए उनके पास, सिगरेट पी उन्होंने, बैठ गए, दरबार लग गया जी और उनके अंदर प्रवेश हुआ, थोड़ी सी आवाज भारी हुई और उन्होंने कहा आओ भाई तेरा घर लंदन में है, किसी को बोले, और इतनी 1, 2, 3, 4, 15, 17 सीढ़ियां तेरी ऊपर जाने को, दाएं मुड़ गए नीला दरवाजा आ गया, बाईं तरफ तूने ये बार लगा रखा है, घर के बाहर ही बार लगा रखा है तूने एंटर करते ही, कैसा आदमी है तू, एक सुट्टा और मारा। फिर दाईं तरफ देखा, यहीं बैठे बैठे लंदन का घर गिना दिया उन्होंने, ते तेरे घर में ये है ये ये। इतनी देर में कुछ मंगाया उस आदमी से, ये है, बोले हाँ मैं ड्राइवर को बोलता हूँ। उसने ड्राइवर को फोन किया फटाफट, वो ड्राइवर आया लेकर, बोले आजा आजा तू भी आजा बैठ जा यहीं, घर का कुआं बनाना बंद कर दे। उसने कहा महाराज, तो बोले ड्राइवर, बोला ड्राइवर अरे इसी की वजह से बचा हुआ तू, तेरी तो गाड़ी का एक्सीडेंट था, ऐसे ऐसे बोलते गए वो, इसी की वजह से बचा, इसका नहीं होना है, और तू घर का कुआं बनाना बंद कर दे, चार ईंटें तेन यहाँ लगा रखे, यहीं बैठे कुआं गिना दिया उन्होंने अपना। फिर कार्यक्रम हो गया जी सब कुछ, फिर समय चक्र घूमा, हम उनके चक्कर में फंस गए, फिर अब उनकी बारी थी, फिर वो मेरे चक्कर में फंस गए। फिर जब उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो उन्होंने मुझसे पूछ ली कि अब इसका क्या करें बेटा, तेरे को तो ऐसे बताता है वैसे बताता है। मैंने कहा जी हमसे पूछो, ये तो मैं बता दूंगा, तुम्हें ये तो मेरे बाएं हाथ, ये तुम्हें बाएं हाथ, ये चुटकी का कमाल है, बड़ा मुश्किल से बजाई। तो फिर मैंने कहा बाबा जी क्या प्रवेश, तो बोले बेटा ये बस कृपा है। फिर धीरे धीरे समय के साथ देखो परमात्मा ने सिखाना था, ये सिद्धि होती है, ये प्रवेश क्या होता है हमारे अंदर एक आत्मा का, और वो आत्मा कौन है, अशरीरी आत्माएं हैं, उनको शरीर नहीं मिला है, ठीक है। इसमें कर्ण पिशाचनी होती है, बहुतों से हुई बातचीत, पास्ट सारा बता देते हैं, अभी की कहानी पूरी तोड़ देते हैं, भविष्य का जो आज के समय से निर्धारित है, जो मिक्स्ड है, उसको बता देंगे, लेकिन आगे का भविष्य नॉट पॉसिबल। ऐसे होंगे जो वो भी बता दें, लेकिन ये हम खुद बात लेके चलते हैं कि भविष्य भविष्य को तौर पे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसको परिवर्तित कर देती है। एक आदमी को भविष्य यहाँ जाना है, मेरे पल्ले आता है, मैं जरा से ठुमका मार देता हूँ, इधर निकल जाता है,
तो हमने क्या किया, भविष्य चेंज नहीं किया, उसका स्वरूप बदल दिया। वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। तो वो क्या है, उनके पास भी सिद्धि है। अब वो सिद्धि क्या है, कृपा की, जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है, उसमें उदाहरण है, ये वो नहीं है। यक्षिणी की होती है, एक कपड़ा गंदा पहनते हैं, कपड़ा साफ, गंदगी साथ रखते हैं, पूरा नहा नहीं सकते एक बार, ऐसे होती है, तो कान में बोल देती है वो। अब वो कैसे बोलती है, क्या होता होगा, ये ठीक उसी तरह है कि गांव के आदमी को बोलो भैया शहर में ना मुलायम रसगुल्ला मिले हैं। बोले कैसा हुए है, अब उसे पता ही नहीं। बोले रस होता है, बोले लड्डू होता है भैया हमें तो ये पता है, बस बोले लड्डू सफेद रंग का कर दे और उसे पिचकाए तो रस निकले। अंधे को कैसा लड्डू होता होगा, तो आप सब ऐसे ही सोचेंगे कान में कैसे आवाज आती होगी यार, ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये वाइब्रेशंस है, ये क्या होता है, ऊर्जा ट्रेवल करती है। तो जिन्होंने ऊर्जा के इतने महाप्रकाश को टैप करना सीख लिया है, जैसे धरती पे हर किस्म का आदमी है, कोई एक ऐसा होना ही था जिसको ये शक्ति भी होती, ये क्या किसी, तो वो ये हो गए। तो ये साधना से सिद्धि से है, किसी की सिद्धि कई जन्मों में होती है, किसी का यही वाला जन्म होता है जिसमें मिलनी हो। ऐसे लोगों को मेरी बहुत प्यारी बात है, ये बड़ा गहरा प्रश्न है, इसे एडिट कर देना सत्यवान। एडिट तो क्या सर, यूट्यूब लाइव है। जैसे होता है मैं किसी को बोल देता तुम्हारी इस डेट पे डेथ होगी, अपनी अपनी तुम कैसे बताऊं, थोड़ा सा पता होता है, ऐसा पता लग सकता है, ये जायज बात है कि अपनी मृत्यु कब होगी पता लग सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। पर मेरे को ही बताया और मेरे को उस दिन पता चल गया आज उनकी डेथ होगी। हाँ, तो ये होता है, नॉर्मल बात है। छह साल पहले बताया नहीं, छह साल बाद। हाँ, मैं तो हर महीने छह लोगों को बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये तो नॉर्मल सी बात है, उसको चेंज कर किया जा सकता है। नहीं सर, वो तो उससे पता लगता है ना, लेकिन यहाँ से कैसे पता, यहाँ से भी लग जाता है। अच्छा, यहीं से तुक्के मारे कितने लोगों ने, तो ये बातें होती है, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, ये हम कॉन्शियसनेस में टैप करके रख देते हैं कमांड्स, वो काम करती है। ये बहुत भारी विज्ञान है, ये सनातन धर्म का, मैं उस आदमी को सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो आदमी सनातन धर्म को लेकर इतना जड़े गहरे कर रहा है, और ऐसे को करने नहीं दी जाती, ऐसे करने दी जाए मजा आ जाए, ऐसे 15-20 हो जाए मजा आ जाए, आग लगा देंगे, क्योंकि पशु चक्र के सारे लोगों के झुंड को इकट्ठा कर लेंगे और उनको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, पशु चक्र के लोगों को, वो बस कहते हैं फॉलो करेंगे सर, ये चलेंगे और वो चाहिए। जो बताई इन्होंने अभी कमांड के बारे में, उन्होंने मरना था इसलिए पता लगा, या बोला इसलिए मरे, बस बोला इसलिए मरे, बस यही बात होगी फिर, क्योंकि उन्होंने पाक कर दी वो चीज वहां पे, वो पाक कर दी और वहां पाक थी, उन्हें पता था। चलो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट, ये हो गया ना पैराडॉक्स। ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये पैराडॉक्स है, वहां पाक थी उन्हें पता था और उन्होंने बोल के उस पर मोहर लगा दी, ये एग्जैक्ट बात है। वो स्टोरी थी, वो स्टोरी चल रही थी जी, मैंने उनको बोला ये क्या हो रहा है, कह रहे ये पागल है, जिद कर रहे हैं, छह साल का साथ है बस, आज से छह साल मिल लो, ऐसे ही होता है, नॉर्मल बात है। नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, ये दांतों तले उंगली दबके पैसे मेरी, ये नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल। कई बार कुछ लोग कपड़ा स्मेल करके भी बता देते हैं किसी की बॉडी का पहना हुआ, जिसकी जो इंद्रिय स्ट्रॉन्ग है उसके अनुसार कॉस्मोस उसको वो ज्ञान देता है। लेकिन ये सिर्फ पास्ट से रिलेटेड ही बातें बताते हैं, फ्यूचर से कुछ नहीं बताते। अगर फ्यूचर से, फ्यूचर करेक्शन के बड़ा लंबी कहानी है, फ्यूचर बताने लायक जो हो जाए वो कमाल की चीज है। सब सुनेंगे हमारे देश में बहुत है, अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छी बात नहीं। हाँ हाँ, वो जेब में चिल्लड़ कितनी है, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों को, चिल्लड़ बता देते हैं जेब में, तेरी इतनी चिल्लड़ है। मेरे से भी मेरा बोला आप कोई भी एक नोट निकालो, मैं नोट निकाला, मैं बोले आप क्या नंबर है, बोलना नहीं मेरे को, अब मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को बता रहा है। ये तो संतों की बात बता रहे, जेब पे हाथ मार के बताता इतने पैसे इसकी जेब। इसको एडवांस्ड वे में आजकल जो विज्ञान के तौर पे लोग कर रहे हैं वो मेंटलिस्ट कर रहे हैं, उसे मेंटलिस्ट बोलते हैं, कि दिमाग को पढ़ लिया, वो दिमाग पढ़ना क्या है, वो जो करता है उसे ही पता है। नहीं तो ये क्या किसी आत्मा को वश में किया होता है, या इनको दिखता कैसे कि ये दिखता भी नहीं, कॉन्शियसनेस में टैप्ड है, उनके पास ये गिफ्ट है। मेरे को बोलते हैं जैसे आपने कोई एक पक्षी का नाम सोच लो, मैंने सोचा वो उसने बता दिया, आपने ये सोचा, गिफ्ट है, इसे गिफ्ट बोलते हैं, इसे समझाया बताया नहीं जा सकता, रसगुल्ला कैसा है, विद्या है या गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, और जिसके पास गॉड गिफ्ट है वो विद्या के तौर पे सिखा भी सकता है। ये गॉड गिफ्ट है लेकिन ये सारी, लेकिन जिसके पास है वो सिखा सकता है।
पहली बार में तो आदमी बहुत इंप्रेस हो जाता है उनसे। खेल तो ये रिपीट कस्टमर, खेल है रिपीट कस्टमर। यदि आप जायज जगह जायज हैं तो आपके पास सालों साल तक व्यक्ति चलेगा, और नाजायज है तो दो चार बार तो जाएगा नौ व्यक्ति। इसलिए बागेश्वर धाम को समय के साथ प्रूव करने वाली बात है। पर उनकी सबसे बड़ी जड़ी पॉजिटिव ये है कि वो ये कहते हैं भाई सनातन, और सनातन भंडार भरा पड़ा है। सारी बात का निचोड़ यही तो आज हम बात कर रहे हैं कि कृष्ण ने काम करना है, शिव ने काम करना है, इसके थ्रू कराएगा, किसी का पेड़ के थ्रू निमित्त कोई बनेगा कुछ नहीं, क्या करना पता कर। वैसे है क्या बागेश्वर धाम? एक जगह है उसका नाम है वहाँ बालाजी की वो चलती है पूजा, और बालाजी हनुमान जी स्वरूप, और उस रूप में वो लोगों को बताते हैं। तो सनातन धर्म के बारे में प्रचार हो रहा है बहुत, सबसे सुंदर सनातन की दृढ़ की हड्डियां तो हमें चाहिए ना। ये भृगु संहिता में पूजा बताते हैं, एंड ये सही भी होता है, टेस्टेड आल्सो, गलत भी होता है, टेस्टेड आल्सो। पता नहीं, पर जो हमने देखा आसपास कि भाई भृगु संहिता में ये बताया गया ऐसे ऐसे है, वो बिल्कुल सही है उस गिवन मोमेंट, साइंस है वो उस मोमेंट के लिए 100% सही है। और अगली मोमेंट में यदि आपने चेंज करना सीख गए तो आप टैप करके चेंज कर दोगे, पर सर नहीं सीखे तो नहीं कर पाओगे। पर आपने बताया था वो भी कवर्ड होता है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कवर्ड है, ये मल्टीवर्स की बात है, कहीं और चल जाएगा। डॉक्टर स्ट्रांग है, लेकिन सर चेंज करना सीख गया तो ये मुसीबत भी तो आपने लिया, अगर माइंड करप्ट करके वो गलत चीज पे करवा देता है, करता है सर, करता है, उसको सीखना बेकार ही है। बेकार के गुरु चाहिए ना, कान खींचने वाला को रखो ना, को रखा आपने, आओ ना फिर हवेली आओ हवेली पे। हाँ जी क्वेश्चन बोलो जी, फिर मैं पति पत्नी को झगड़ लड़ रहा हूँ, बोलो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बोलिए गुरु जी, वाइफ हस्बैंड के मिरर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? yes. कहते हैं कि yes. पहुंच गए हम वहां जहां पहुंच गए, यस एक और यस, तीन यस निकल गए मेरे, मतलब आप कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आप आवाज चली गई क्या, अगर आपको खुश रहना तो वाइफ को खुश रखो, ये बोला हुआ है भगवान ने भी मना कर दिया, सबको पता है देखो जी पति पत्नी के झगड़े हो गए। अब क्या होता है, एक चीता कोई नहीं, क्वेश्चन मुझे पता है ना, आंसर ही तो दे रहा हूँ, अब जिसे क्वेश्चन खुद ही पता, पता नहीं कैसे पता, ये होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये प्रोसेस है, परमात्मा की कृपा है, इसे कृपा बोलते हैं, निमित्त। जैसे कि एक हम सूरज के इर्द गिर्द धरती घूम रही है, जुपिटर घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, उससे ऊर्जा ले रहे हैं, धरती घूम रही है, मौसम बदल रहा है, ऊर्जा ले रहे हैं, सूर्य से फोटॉन चल के आया धरती तक पहुंचा, यहाँ पर क्लोरोफिल के तौर पर प्रोसेस हुआ, फिर वो किसी के पेट में गया, उस खरगोश को बैठ करके चीते ने खा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया तक सूर्य का फोटॉन ट्रेवल कर रहा है, ऊर्जा का संग्रह घूम रहा है। अब यदि आप में ऊर्जा पूरी, आप मस्त हैं, आपको किसी से लेना देना नहीं है यार, आई एम फाइन, आई एम फुल विद एनर्जी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ में कोई झंझट नहीं है। पर थोड़ी देर में शरीर जो एक्चुअली हमारे काबू में नहीं है वो ऊर्जा को पीता है बड़ी स्लो स्पीड से, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा मन भागने लगता है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं आग लगा दूं, ऊर्जा को एक चौथाई एनर्जी को चूस लेता ब्रेन, 1300 ग्राम का वेट है इसका, और 1/4 ऑफ एनर्जी जितनी बॉडी क्रिएट करती है नाभि से वो पी जाता है। अब इसको स्लो डाउन कर दिया तो हो गया ठीक, हाइबरनेशन का मतलब मुन्नस हो गया, रात की नींद के समय हमारी ऊर्जा दोबारा से रिजुविनेट होती है, रीडेवलप होती है, हमारे लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बाहर जाती है। अब पति और पत्नी के तौर पर दो लोग रह रहे हैं, इनको भी ऊर्जा चाहिए, इसकी ऊर्जा कम हो गई, इसकी ऊर्जा, इसको ऑफिस ने चूस लिया, इसको सास ने, काम खराब हो गया, दोनों में परेशानी है, दिमाग खराब हो रखा है, अब इनको ऊर्जा चाहिए, इन्हें पता नहीं है शरीर में कुछ कमी है। अब ऊर्जा कैसे लें, ऊर्जा मिल नहीं रही, खाना खा रहे, खाने में मन नहीं है, मुन्ना कह रहा नहीं खाना, नहीं खाना, खाना छोड़ देती है लेडीज अक्सर गुस्से में आकर के, क्योंकि गुस्सा ऊर्जा पी रहा है आपके अंदर की। अब सेलुलर लेवल के ऊपर कई सेल्स आपके रिवोल्टिव हो गए, एंटी चल रहे हैं, और आप एक यूनिसन में बॉडी नहीं चल रही, जैसा मन कह रहा वैसा शरीर चले, वैसा ही जीवन चले, कितना अच्छा जीवन है, अभी शरीर ही नहीं चल रहा, तो खाना खाया नहीं, खाने से ऊर्जा ही नहीं। अब सूर्य चाहिए, ये आता है घर, ये आती है घर, ये कहते हैं मुझे सूर्य चाहिए तुमसे, मुझे ऊर्जा दो, ऊर्जा दो, ऊर्जा कैसे, तो पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, तो कहती है मेरे पे ध्यान दो। ध्यान क्या है, जहां आपने पौधे पे पानी डाला वो पौधे पे जीवन डाल दिया, फिर आपने इस पौधे पे डाला, इस पौधे पे नहीं डाला वो मर जाएगा, आपने जिस जिस पे ध्यान दिया
वो व्यक्ति को ध्यान मिल रहा है। दो प्रेमी देखे होंगे आपने, दो प्रेमी आपस में बैठे हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे पे ध्यान है, सारी अटेंशन, सारा का सारा विचार शक्ति वही है, उन्हें भूख नहीं लगती, प्यार में भूख नहीं लगती, भूख प्यास मिट जाती, क्यों, खाना मिल रहा है। जो ऊर्जा हम जो ऊर्जा खाते हैं, सूर्य सन को खाते हैं, वो हमारे सारे मेडुला ओब्लोंगाटा यहां पर एक ऑर्गन है, वो प्रोसेस करके स्पाइनल कॉर्ड पे भेजता है, और इसके बाहर एक माइलिन शीथ बनती है, उस शीथ के द्वारा जितनी भी कंडक्शन हो रही है ब्रेन में, उसके सारे मैसेज हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, और वो सारे मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाने से पूरा शरीर चलता है, और इस पूरे शरीर से हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। सारी मैनिफेस्टेशन सफल ही तब है अगर वो शीत सही काम कर रही है, और वो शीत बनती है सूर्य से, ऊर्जा से, और वो बनता है मेडुला में। अब ये जो लोग डायरेक्ट यहां से खाना जानते हैं, जैसे जो हाइबरनेशन में चले गए, उन्होंने सारी ऊर्जा यहां स्टोर कर ली, वेस्ट नहीं की, 5-5 महीने तक पड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा चाहिए, अब इसको ऊर्जा चाहिए, इसे ऊर्जा चाहिए, लेनी आती नहीं, तो क्या करते हैं, ऊर्जा का स्वाभाविक प्रिंसिपल है, मैंने आपको गाली बकी, आप मुझे गाली ही बकोगे। तो पत्नी कहती है, इसके ऊपर ऊर्जा फेंकती से ज्ञान नहीं ना, इसीलिए हमारे को गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है, ये ज्ञान नहीं है, लड़ाई करती है, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो कह रही मुझे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो। ये कहता मैं सारा ध्यान ऑफिस में छोड़ाया, मेरा प्रॉपर्टी पे ध्यान है, कागजों पे ध्यान है, वकील ने मेरी ऐसी कर, तुझे ध्यान कहां से दूं, ये भी लड़ रहा है, इसका भी ध्यान कहीं और है, इसका भी ध्यान, इन्हें पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। अगले दिन सुबह शांत हो जाते हैं, दोनों की लड़ाई खत्म, क्यों पता ही नहीं यार क्यों लड़े थे। अब इसने क्या किया, 10 ग्राम ऊर्जा इस पे फेंक दी गुस्से में, षड विकार, क्रोध ने ऊर्जा फेंकी, ऊर्जा का रूल एक्सचेंज होगी, वो खत्म नहीं होती कभी, एनर्जी नेवर डाइज, वो रिकन्वर्ट होती है। इसके पास से 5-10 ग्राम ऊर्जा इसके पास जाएगी, इसने गुस्से वाली फेंकी, इसने समझौते वाली फेंकी, दोनों की शक्ल अलग है, बार्टर सिस्टम, मैंने आपको पानी का भरा हुआ बर्तन दे दिया, आपने मुझे एक शॉल दे दी, पहले ऐसे ही चलता था कि मैंने तुम्हारे को अपने पास से छोले दे दिए, खेत के बने हुए भुट्टे दे दिए, और आपने मुझे एक लोई दे दी, बार्टर सिस्टम, इसने जो ऊर्जा दी वो इसने नहीं दी, इसने जो दी वो इसने नहीं ली, वो ऊर्जा क्या कर रही है, कॉस्मोस में वापस जा रही है, वेस्ट हो रही है, क्यों, कौन ग्रहण करे नफरत किसी की, कौन गुस्सा बर्दाश्त करे, ये दोनों वीक हो रहे हैं, ये दोनों समय से पहले बुढ़े हो जाएंगे, इनके द्वारा बना हुआ हर मकान समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, इनके घर में इनके द्वारा बनाया हुआ सोफा जल्दी दरारें आएंगी, हर चीज खुद से बनी है। तो मोबाइल पे करते हैं हम सारा दिन ध्यान, तो ध्यान मोबाइल में चला जाता है, जैसे मोबाइल में सारा हम ध्यान देते हैं सारा दिन, बड़ी मजेदार बात है, मोबाइल में किस चीज पे ध्यान देते हैं ये खेल है, उस वाले चक्र से एक्टिवेटेड है, किसी भी फोन की पास्ट हिस्ट्री देख के पता लग जाएगा इस आदमी का कौन सा चक्र एक्टिवेटेड है, वही देखता है वो, आध्यात्मिक देखता है तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक देखता तो इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है। आध्यात्मिक का मतलब है टाइम वेस्ट, आपको लिफ्ट में नीचे से ऊपर ट्रेवल करना है, शक्ति मुन्ना से मिलेगी, कुंडलिनी की शक्ति नीचे बैठी हुई है, ये ऊपर जाती है पर नीचे बैठी हुई है, सोर्स एनर्जी यहां पर है हमारी, हम यहीं से क्रिएट और प्रो क्रिएट होते हैं, आपकी सोर्स एनर्जी यहां ये ऊपर जाती है, इधर और पिंगला से होती है, आपका नीचे को टच करना बहुत जरूरी है। आप डरपोक नहीं है लेकिन आपको पता है डर क्या होता है, अगर नहीं है और ऐसे ही है आप निर्भीक हो जाएंगे, आपका एक्सीडेंट करा देगा मुन्ना, क्योंकि ग्रेविटी टूट गई, फिर आप जल्दी मर जाओगे, सारे के सारे साधु जल्दी मर जाते हैं। ऊर्जा को जिस व्यक्ति ने सीधा करना सीखा उसे साधना कहते हैं, साधना कर रहा है, जिसने कर ली वो साधक है, जो साध चुका वो साधु है, शब्द ऐसे इसीलिए बने, ये सारा का सारा कुंडलिनी का खेल है कि आपने ऊर्जा अपनी कितनी साध ली। अब ये दोनों ऊर्जा लेने में लगे हुए हैं, अगर एक उदाहरण, लेडी शांतो के घर बैठी रहेगी ना चुपचाप, ऐसे क्या फायदा लड़ने का, उसने इमीडिएटली ऊर्जा कंजर्व कर ली है। अब हस्बैंड आएगा, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, अब वो कहेगा ध्यान देगा उस पर, जैसे ही उस पर ध्यान देगा वो हील होना शुरू हो जाएगी। लड़ो मत, लड़ने में ऊर्जा बहुत वेस्ट होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा क्रोध में वेस्ट होती है, जितना ज्यादा ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा आपका जीवन पीछे को जा रहा है। अब आप कई बार क्रोध कर नहीं पाते, जो फोटोन निकलता है सूर्य से वो 2 सेकंड से 10 लाख साल ले सकता है बाहर एस्केप करने में उसके पास से, आपके अंदर गुस्सा है या तो अभी निकल जाएगा या पड़ा है कई साल तक, वो आपको खाएगा। अब गुस्सा भी कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, कुड़कुड़ के सड़सड़ के शरीर वीक होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नीचे से डाउन होगी, हमारा कहां है अनाहत, हृदय चक्र पे, इसके पास क्या है ब्रेन,
ये यहां तक और यहां तक डिस्टेंस बराबर हो गया ब्रेन का, इतने एरिया ठीक रहेगा आपका, पैर खराब हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल करंट खराब, जिसके पैर खराब होने लग गए हैं सीधा जान लो कि अब आप सड़ना कुड़ना लड़ना सीख चुके हो बहुत ज्यादा, और बॉडी को हो गई अति, आज से लड़ना कुड़ना सड़ना बंद, कोई कुछ भी गाली क्यों ना बक जाए भैया, हमने अपने पैर खराब नहीं करने, पैरों पे चोट लगती है चलते हुए, यूं ही टकरा जाते हैं, एक बंदा टकराता बाकी किसी की नहीं लगती, ऊर्जा डाउन हो रही है, हार्ट कहता पहले इन को तो पालू, इन लोगों को तो पालू, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये हैं, और पैरों की कुर्बानी हो जाती है शरीर में, और लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए बुजुर्गों को हिप बोन में फ्रैक्चर होता है बाथरूम में गिर के, सबसे पहले उन्होंने अपना सत्यानाश यहीं से किया होता है, आधार चक्र, ये आधार चक्र पूरा पूरा खराब, ये ऊर्जा के एक्सचेंज के लिए लड़ रहे हैं, तो संत कौन होता है, ये थक जाता है थोड़े दिनों में मांगेराम लड़ लड़के, फिर कहता है छोड़ा जा रहा, मैंने बहस ही नहीं करना, मैंने ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं करना इससे, और ये जंगल में भाग जाता है, इसका जंगल हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 7 बजे दारू पार्टी हो दोस्तों के बीच, हो सकता है असली जंगल हो सकता है हरिद्वार चला जाए, लोग हरिद्वार जाते हैं मानसरोवर की यात्रा पे बनाया था हमने, आज बात का टाइम नहीं मिलेगा, मानसरोवर जाते हैं लोग, ये बॉडी को यहाँ लेकर जाते हैं, ये ऊर्जा के पवित्र स्थल है, यहाँ पर ऊर्जा ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर तरीके से अलाइंड है, धरती पे हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ ग्रेविटी वाकई में कम है, जहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, एलियंस की शिप उतरी है धरती पे, ऐसे एरियाज हैं साउथ इंडिया साइड में, ये फैक्चुअली प्रूवन है, पर इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, ये जो बड़े एरियाज हैं ऊर्जा के स्थल है, अब आप यहाँ जाके अपनी ऊर्जा को दोबारा से पैदा करते हैं, आप घर बैठे क्यों नहीं करते, क्या करना है आपने, टिक्की टिक्की आपका यही मानसरोवर हरिद्वार हो जाएगा अगर आपने टिक्की टिक्की कर लिया, अब कहां करते हैं हम, आप घर बैठे बीवी से लड़ रहे हैं, पति से लड़ रहे हैं, बच्चों के स्यापों में लगे हैं, हम निकल जाना है यहां से, ऊर्जा एक्सचेंज नहीं करनी, कहां जाना है, चलो हरिद्वार, हरिद्वार चले गए, सारा कूड़ा करकट घर का घर में छोड़ दिया, वहां जाके घर बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप हरिद्वार की जगह पार्टी करने कहीं और भी चले जाओगे, कूड़ा करकट छोड़ते ही ठीक हो जाओगे, घर का कूड़ा करकट छोड़ते ही, फिर लोग कहते हैं बाहर हम ठीक रहते, घर में पता नहीं क्यों ऐसा वैसा, एक परेशान तबीयत खराब, यानी कि आप ऊर्जा का कूड़ा करकट छोड़ना नहीं सीखा, आप घर में टिक्की टिक्की करो, टिक्की टिक्की का अर्थ क्या है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसमें कोई कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं है, नो इफ है, ना बट है, जट भी नहीं है, क्या है ये, यही छोटा बच्चा करता है, छोटा बच्चा यही करता है, और यही प्रेम पाने का तरीका है, जब आप काम कर रहे हैं ऊर्जा नष्ट हो रही है, खर्च हो रही है, क्लेश कर रहे हैं तो धमाके हो रहे हैं अंदर, बर्बाद हो रहे हैं, या तो आप फटोगे या दूसरा फटेगा, जब आप शांत मन से प्रेम में बैठे हो ऊर्जा बहुत शीतलता से बह रही है, जब आप सो रहे हो ऊर्जा क्रिएट हो रही है, ऊर्जा क्रिएट हो रही है, सिर्फ सोई अवस्था में ऊर्जा क्रिएट होती है, और बूढ़े होने का अर्थ क्या है कि हम ना सोते सोते भी ना सपने देखेंगे, नहीं सोने देंगे बॉडी को, बॉडी कह रही है सोना है, हम कहते हैं नहीं, बॉडी कहती है देखो सोना है मुझे सोने दो, नहीं, फिर लोग स्लीपिंग पिल खाते हैं गोली, तो भैया ये ऐसे चल नहीं रहा यार, ये कनेक्शन खराब कर दिया, मुन्ना और टिंकू का कनेक्शन खराब है, इसे गोली खिलाओ यार, क्या कर सकते हैं, फिर झक मार के मुन्ना सो जाता है कि भैया सोने दे बॉडी को, ये क्या किया आपने, ऊर्जा नहीं बननी खत्म, इसलिए कम सोते हैं बुजुर्ग लोग, ऑटोमेटिकली बुढ़ापा लाना है, रात की नींद हराम कर दो, टेंशनें लगा दो, जिंदगी को माया समझे बिना, लीला समझे बिना, मैं करूंगा सोचते रहो, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, आज आपको पैसा देगा समय बहुत सारा, फिर उस पैसे से आप मकान लेंगे और उसमें किरायेदार आके बस जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, अब आपके दुख शुरू, क्यों, बहुत सारे सुख भी तो थे, कुछ लोग बोलते हैं कैसे करें जी जीवन में खुशी नहीं है, मैं कहता हूं भाई दुखी हो लो फिर उस दुख से लड़ो, फिर देखना एक दिन वो दुख खत्म हो जाएगा, जिस दिन दुख खत्म होगा आप कहोगे क्या सुख मिला है, ऐसे मिलता है सुख, सुख की आयु बहुत छोटी है, आपको पानी की प्यास लगी है, अब आप प्यास से तड़प रहे हैं, जैसे रोज आपको खुश होना हो तो क्या करो, पानी मत पियो, सुबह उठ गए पानी की प्यास लगी नहीं पिया, दोपहर प्यास लगी नहीं पिया, शाम आते आते आप दुखी हो जाओगे, आप कहोगे दीवार में सिर मार दूं मैं, अपनाया किसी का जैसे इतना गुस्सा आ जाए, लेकिन पानी नहीं पिया, फिर रात को आप घूमे, कौन सा गाना था वो राज कपूर की फिल्म का, पानी पिलाते हैं इसको जागते रहो, हाँ, फिर वो मटका लेके आएगी हीरोइन, फिर आपको पानी पिलाएगी, फिर आप पानी पियोगे, फिर पानी पी के आपको जो सुख मिलेगा ना, आपको ये होता है सुख,
अगर सुखी होना है तो सारा दिन खुद को तड़पाओ और फिर वो चीज पाओ, ये होता है सुख। इसलिए सुख के पीछे दौड़ना बंद कर दो। यानी सुखी होगा फिर आदमी पांच मिनट के लिए पानी मिल गया, खत्म खत्म फिर खत्म। उतना सुख पाने के लिए कितना दुखी होना पड़ेगा। इसलिए सुख के पीछे भागने वाले व्यक्ति दुख को बुलावा देते हैं। भगवान से कहते हैं भगवान और सुख दे, भगवान कहते हैं दे तो दूंगा, 15 मिनट रहेगा तेरे पास। भाई तेरे पास कितनी देर का सुख है? 15 मिनट, आधा घंटा, अच्छा 4 घंटे, फिर तेरे को बहुत बड़ी याद चला दूंगा $200 करोड़ की। फिर क्या होगा? फिर तू बोर हो जाएगा देखिए उससे। और उस 200 करोड़ को पाने के लिए कितने दुख उझेलेगा? शायद 20 साल। कितनी देर का सुख चाहिए? ज्यादा बड़ा सुख मत मांगो परमात्मा से, उससे 400 गुना बड़े दुख देगा। 10 लाख कनेक्शंस फास्टर होते हैं मुन्ना के फ्रंटल लोब से, इसलिए 10 लाख फोटोकॉपीज बन सकती है एक बार में, एक दिन में। हाँ जी, इसी में आपने पहले एक बार बोला था कि सोच तो बड़ी रखो कम से कम। हाँ, बड़ी रखो ना और फिर छोड़ दो। जैसे आपकी शादी होने वाली है, इनकी शादी होने वाली है अभी, बड़ा मजेदार प्रश्न है ये। अब इनकी शादी मान लो 16 तारीख को शादी हो रही है, 15 की शादी हो गई, 16 को शादी हो गई, फिर मिशन अकम्प्लिश, खत्म। अब क्या करो? चलो अब नया यार घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी हो गई। शादी हो गई, बड़ा सुख मिला, चैन पड़ा, साइन हो गए, शुक्र है, हो गया जी। अब उस शादी करने में इन्होंने संघर्ष कितने किए? 300 जोड़ी बाल सिर के उड़े इनके, बाकी संघर्ष तो भूल जाओ, क्या क्या किए और घर में क्या क्या उपद्रव हुआ, अलग कितना सारा दुख झेलना पड़ा इतने सुख के लिए। अब घर कौन आया? जीती जागती देवी माँ, वो क्या करेगी? तोते लगाएगी रोज इनके और तोते उड़ाएगी। फिर पता चलेगा इनको, इसके लिए मैंने इतना उपद्रव किया था, ये पंगों के लिए। फिर सास बहू के झगड़े सुलटाते रहो, बच्चों के झंझट करते रहो, फिर क्या होगा? अगर इन्होंने ज्ञान नहीं किया तो गड़बड़। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इनका विवाह होता है, अरे कहते ठीक है, हो गया, बढ़िया, सुख महसूस ही नहीं किया। भगवान दुख देगा ही नहीं, भगवान दुख देगा ही नहीं। आपका मकान बन गया, आप कहते हो मजा आ गया, ओहो आपको मजा नहीं आना चाहिए। सोच बड़ी रखो। किले कैसे बना लेते थे पहले के समय के राजा महाराजा? उन्होंने बहुत बड़ा किला बना, कहते थे हाँ शानो शौकत, बोला बढ़िया नहीं बना, इससे भी बढ़िया बनाओ। साला सुखी हो गए राजी नहीं, जिसे दुख कैसे मिलेगा जो सुखी हो गए राजी नहीं है? उसे दुखी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं यार इतना कमीना आदमी है, इसके जीवन में सारा दुखी नहीं है कोई, वो बात बात पे फालतू पागल नहीं होता रहता। टिक्की टिक्की क्या है? हम सुख दुख से परे हैं। टिक्की टिक्की में क्या होगा? आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही है सर, क्वेश्चन, और एनर्जी बढ़ रही है, आपको एनर्जी बढ़ानी है, ऊर्जा थोड़ा खा के ज्यादा ऊर्जा बन जाएगी। जो लोग कम के अंदर भी सुख रहते हैं उनका क्या होता है? कम के अंदर सुखी रहते हैं, कहां है वो? ढूंढ के दो मुझे कम में सुख रहने वाले, बहुत कम। क्वेश्चन सर। हाँ जी, क्वेश्चन खेलेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, फिर पूर्ण करेंगे क्लास, बहुत लंबी हो गई। सर हाँ जी, बोलो बोलो, दो चार क्वेश्चन बोलो सर। ऑप्शन पर है? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ कि दुख की आयरनी क्या है, कोई दुख चाहता नहीं है पर फिर भी दुखी है, इसीलिए तो, क्योंकि दुख चाहता नहीं ना। हाँ, दुख चाहता नहीं मतलब दुख का जाप कर रहा है वो। अनवांटेड वांट क्लास सुनो, द अनवांटेड वांट क्लास सुनो, जो नहीं चाहोगे, जो ये चाहोगे कि ये नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा होगा लाइफ में, ठीक है। अगला सर, नहीं नहीं मतलब मेरा सवाल ये था कि दुख आता कहां से? बेसिकली दुख हमें, हम हमें दुख उससे आता है जिससे हमें मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। हमारा तो भीड़ बाजार से आता है, हमें वो है। दुख आता कहां से? भीड़ बाजार से आता है। मतलब हम अपने जिसके यार क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारे घर वाले हो गए या जो हमारे दोस्त हो गए। अरे इच्छाओं से आता है दुख, छोटा करो ना प्रश्न, इतना लंबा कर रहा हूँ मैं, बता दूं क्या प्रश्न है आपका। इच्छाओं से आता है। हाँ, दुख इच्छाओं से आता है। इच्छाओं से क्यों आता है? जो मिला वो कम है, तो इसके पीछे आंसर क्या है? और अगर आप ये शब्द बोलते हैं ना और दूसरा वर्ड बोलते हैं पर का पर के पर्याय बचे, लेकिन इफ बट किंतु परंतु मे बी नॉट, और आप बोलते हैं और मोर, बड़ा ज्यादा आप दुखी हैं।
सर लेकिन ओपिनियन अगर डिफर करता है तो बंदा ओपिनियन डिफर करता है और सामने पे ओवर थ्रो करता है तो भी बंदा दुखी होता है, तो लेकिन इस बात पे ओपिनियन रखना बंद कर दे या मतलब किसी उसकी सुनने उसके बैठना बंद कर दे, क्या करे? इन्होंने बोला ओपिनियन अलग होता है, बाकी सही बात है भाई, दो पति पत्नी का ओपिनियन अलग है, झगड़ा है, पति पत्नी का ओपिनियन अलग है, दोस्तों का ओपिनियन अलग है, ओपिनियन अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि मैं कहता हूं मैं जो कह रहा हूं ना वही सही है, तू जो कह रहा गलत है, आपको नई परिभाषा ले लो, मैं जो कह रहा हूं मेरे लिए सही है, तू जो कह रहा है तेरे लिए सही है, तू दफा हो ले मेरी जिंदगी से, मुझे दफा कर अपनी से, मुझे मेरे हिसाब से करने दे, देखो सारे दुख खत्म, सब अपने हिसाब से सच्चे हैं, ओपिनियन मैटर और डिफर करता है इसीलिए क्योंकि आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, आपको होता है साले जो मैंने कह दिया वो सही है बस खत्म, लेट जी दब लेट डंडा लड़ो, ओपिनियन तो डिफर करेगा, जो तेरे लिए सही वो मेरे लिए सही नहीं, जो मेरे लिए सही वो तेरे लिए नहीं, तो सिर्फ सामने वाले को एक्सेप्ट कर ले, जो भी कोई अगर सपोज सही गलत कुछ है ही नहीं, मतलब सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो उसको रिजेक्ट कर दो, उसकी लाइफ से निकल जाएगा, निकाल दो, एक्सेप्ट करना हो किसने बोला है, और अलग होके भी तुम परेशान ही इवेंचुअली तो फिर जान लो कि हमने बेवकूफी करी, अलग होके अलग परेशान है तो इसका मतलब बेवकूफ थे, हमें उसको गुरु मान लेना चाहिए, और फिर हम ग्रेटर गुड को देखे उस टाइम पे, किसको उस टाइम हम ग्रेटर गुड को देखे कि भाई उसके साथ रहना बेहतर था, उसके सामने चुप हो जाना वो सही था, ग्रेटर गुड देखने की आपको समझ का है, बस वही बात ठीक है, आपको क्या पता ग्रेटर गुड क्या है, आप एडवांस में सब जानते हैं, यानी हमारी कुर्सी गई, सर मैं तो पेशेंट हूं, मैं आपसे डॉक्टर के सवाल पूछ रहा हूं, हाँ आप मुझे वो चीज बता रहे हो कि ये सिम्टम है, इलाज क्या हो इसका, इलाज यही है, छोड़ दो, आपने वो गाना नहीं सुना छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा, अब छोड़ भी दो ना, लेकिन किसको, उस इंसान को छोड़ दे या लड़ना अपना ओपिनियन देना छोड़ दे, अपने आप को छोड़ दो, अपने आप से सेल्फ इंप्रेस्ड हो बहुत, इसे छोड़ दो, ओह माय गॉड दुखती रख पे मारा, ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या जी, गुरुजी एक क्वेश्चन है कि वाइफ हस्बैंड 30-32 साल तक इकट्ठे रहते हैं फिर भी एक दूसरे के मिरर न्यूरॉन्स क्यों नहीं एक दूसरे में काम करते, इन्होंने पहले भी पूछा था, हस्बैंड वाइफ 30-32 साल तक साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे के हिसाब से क्यों नहीं चलते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नौकर नहीं है, दोनों मालिक हैं, मिरर न्यूरॉन क्यों नहीं होते मैं बता देता हूं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का लफड़ाई हो जाता है वो डिमांड और सप्लाई का खेल है, ये गुरु और फॉलोअर का नहीं है, एक समय के पश्चात हस्बैंड और वाइफ रह ही नहीं जाते, वो उन्हें अपने अपने बच्चों के मम्मी पापा होते हैं, बहन भाई भी हो जाते हैं कि चलो खैर आपने जो कहा जिसको जो भुगते वैसा वो बहन भाई हो जाते हैं, अब हस्बैंड और वाइफ के तौर पर वो क्या करते हैं, अगली जो पीढ़ी आई है उसको समझदार और बड़ा बनाने के लिए कार्यरत हो जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है, प्रकृति तक हार्मोनली उनमें चेंजेस ले आती है, तो हस्बैंड और वाइफ 30-32 साल तक साथ नहीं रहते कभी भी, उनकी शेल्फ लाइफ 3-5 साल होती है मैक्सिमम 10, उसके बाद इधर उधर भटकते हैं, भटक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं तो बच्चे आ जाते हैं और उन बच्चों के आने से वो माता और पिता बन जाते हैं और उसके कारण से वो पूरे जीवन रहते हैं, अब मिरर न्यूरॉन से एक दूसरे के इन्फ्लुएंस होने की बात ही खत्म हो चुकी, अगर आज भी आप सोचते हो मेरा हस्बैंड मेरे नखरे सहेगा और मेरी वाइफ मेरे नखरे सहेगी तो वो बेवकूफी है, आपके बच्चों के माता पिता को काम तो हो जाएगा बाकी अब जबरदस्ती का रहना है, इसलिए हस्बैंड वाइफ के मिरर न्यूरॉन 30-32 साल बाद किसी तीसरे के थ्रू सेट हो सकते हैं, कहीं गुरु धारण करो और वहां जाकर के दोनों सत्संग सुनो, 2 घंटे नहीं लड़ोगे बाकी टाइम लड़ो, थोड़ी देर तो लड़ना अच्छी बात है, ऊर्जा एक्सचेंज कैसी होगी, ये भी परमिशन दे दिया आपने लड़ने, लड़ना बहुत जरूरी है पर इसका आर्ट बता दूं, 2.5-3 मिनट बात करें पत्नी से, जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी, पत्नी का कर तो बोलो है मैं अभी आया मम्मी बुला रही है, आपने बचपन में मैच नहीं खेला क्रिकेट का, अपनी बैटिंग ले ली उसके बाद मम्मी बुला रही है मैं आ रहा हूं, फिर भाग गए, पति और पत्नी सिर्फ चीजों के डिमांड की वजह से लड़ते हैं, अदरवाइज लड़ाई का कारण है, हम कबीर और कबीर की वाइफ जैसा कैसे बन जाए, कबीर और कबीर की वाइफ जैसा कैसे बन जाए भाई, कबीर देखो जी कबीर बड़ी भयंकर प्रश्न है, क्लास लंबी कैसे ना, कबीर और कबीर की पत्नी के बड़े प्यारे किस्से हैं कि कबीर के पास कोई पूछने है, छोटे से तौर पे बताऊंगा, छोटे नहीं जी लंबे बताए क्योंकि चार पांच और घंटे, कबीर कबीर की बीवी ने बोला कि भाई बन कैसे जाए, कबीर की बीवी ने बोला इसके पर आएंगे, कबीर की बीवी को बोला कबीर ने, कोई मित्र आया पूछा भाई तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, तो उसने आवाज लगाई लोई, पत्नी का नाम लोई था,
लोई जरा लालटेन ले आना। तो उस आदमी ने कहा पागल है साला, दिमाग खराब, दोपहर में बीवी से लालटेन मंगा रहा है। थोड़ी देर में देखा बीवी भी ले आई, बोले सर ये इससे भी बड़े पागल है तो। वो लाई रख गई और वो चली गई। फिर बोला हाँ तुम क्या पूछ रहे थे? जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बेकार है आपसे पूछना, तो दोनों ही क्रैक दिख रहे हो मुझे। बोले मुझे समझ नहीं आया बेटा क्या। बोले दोपहर में लालटेन मंगाता है कोई? बोले मैंने मंगाई तो। अब बोले कोई लाता है कोई? बोले वो लाई तो। बोले समझे नहीं बट, इसीलिए पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। मैंने क्यों मंगाई? उसे कोई लेन देन नहीं है। फालतू की प्रश्नोत्तरी मत खेलो, 20 क्वेश्चन क्यों मंगा रहे हो? दोपहर का टाइम है, कहाँ जाओगे, कितने बजे आओगे? और कोई नहीं ला सकता क्या? यहीं से बैठे बैठे कर लो ना। मैं ले आई चुपचाप और रख दी, ले मर। इतनी देर हो गई, कहाँ हो गई? हाँ, और मैंने भी पत्नी को नहीं बोला, मैंने तेरे को फालतू की बात की, तेरा दिमाग खराब है, दोपहर में लालटेन ले आई। ले आई तो ले आई। अगर आपकी पत्नी से घर में कोई बर्तन टूट गया तो टूट गया, कुछ गिर गया गिर गया, वो गलत शॉपिंग ले आई ले आई, क्या फर्क पड़ता है? अब पति पत्नी ने सुन लिया। हाँ जी, तो फिर साधु बन गए? साधु नहीं बने, वो पार्टी करते थे, बच्चे थे उनके। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों है? कबीर और कबीर की पत्नी जैसे कैसे बन जाए, ये बहुत गहरा प्रश्न है। कबीर ने विवाह कर रखा है उस परम तत्व से, पत्नी उसकी साकार रूप में जीवन संगनी है। कबीर की लौ कहां लगी है? परमात्मा पर। अजपा जप सुमरन, जो हमने सुमरन शब्द बोला, जो बाबा नानक ने कहा ना नाम जप करो, सुमरन क्या किया है सब उसका। वो कहते थे ना मैं सारे टाइम तो रुई काटता हूँ। किसी ने पूछा आप नाम कब लेते हो भगवान का? रुई काटते रहते हो सारा दिन। बोले वो तो शरीर काटता रहता है, अंदर चलता रहता है। मैं 2 घंटा बैठ के फालतू माला क्यों जपूं, टाइम कौन वेस्ट करे? ना राम ने जपा, ना कृष्ण ने जपा, ना बुद्ध ने जपा, अंदर है ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो मंदिर जाके पूजा पाठ में? एवी वेला टाइम खराब, अंदर सीखो। नहीं आता तो फिर मंदिर बैठो जाओ, ये वाले जन्म मंदिर में टाइम वेस्ट करो, सीखो। ये भी सीखना है, पशु चक्र से ऊपर उठोगे नहीं जानोगे कैसे। अब वो कात रहे रुई बन रहा है, उसने परमात्मा से लौ लगा रखी है, बीवी ने कबीर से लौ लगा रखी है। कबीर को परमात्मा से लेना देना है, बीवी को कबीर से लेना देना है। कहीं कोई ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं है, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, झगड़ा खत्म। हमें भी चेक करना है, बीवी तू कहां गई थी, तू कितने रुपए फालतू खर्च लाई? अपने नसीब में से खर्चेगी? आप 100 रुपए कमाते थे, शादी हुई 200 आ गए, क्यों? 100 बीवी के हैं। बच्चे हुए 250 आ गए, 50 बच्चों के। अब अगर उन्होंने मान लो 50 रुपए महीने के बच्चे ने खाना है और 75 खर्च लिया, नो टेंशन, अपना कोटा घटा रहा, हमें क्या? हमें जो देना है वो लेके रहेगा, ले जाने दे। पिट के अकल आती है, फ्रंटल लोब, मिड ब्रेन, लास्ट रेप्टिलियन, ये पिट के सीखता है। छेनू पिट के सीखता है, ये छेनू है, ये मुन्ना है, ये पिट के सीखेगा। मानो बिल्ली को पीटो तब काबू आएगी, नहीं तो नहीं। अगर आपने नहीं सीखा, आप जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। इसलिए कबीर और उसकी पत्नी बनने के लिए लॉ अलग लगाओ, उस परम तत्व से लॉ लगाओ। भाड़ में गए बाकी सारे ये करो ना, और भाड़ में कब जाएंगे? आप खुलेआम सड़क पे टिकी टिकी करके दिखाओ, यानी आपने भाड़ में भेज डाला दुनिया को। ये गुर्दा चाहिए, ये है टिकी टिकी। शर्म को खा के फेंक दो, शर्म झिझक जो भी है, ये मुन्ना की वो अहंकार का स्वरूप है जो वो स्वयं को देखता है। आप में हिम्मत है टिकी टिकी की? ये चाहिए टिकी टिकी भैया, जो गाड़ी में जाते हुए डांस कर रहे होते हैं गाने ऊंचे ऊंचे चला के, कई बार मतलब देखते हैं। तो होता ही है, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना बच्चे को दुनिया से कोई लेना देना, ना संत को, बाकी तो सब पार्टी कर रहे हैं लगे हुए। इसलिए आपने देख के चलना है कि आप टिकी टिकी कितनी कर सकते हैं, आपके जीवन में कितना नशा स्वयं से प्रेम करने में ऊर्जा स्वयं में रहती है। और क्या जी? सर मैं डरता बहुत हूँ, टिकी टिकी करने के लिए डरना नहीं होता, डर को कैसे खत्म करूं? मेरा कल प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है, आशीर्वाद दे दीजिए। आपका कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, मेरा आशीर्वाद है। सुबह सुबह उठते उठते 3 बार टिकी टिकी का जाप करना, 6 हो गए टोटल, ठीक है? और ऐसे करने टिकी टिकी, ठीक है? देखना क्या बदलेगा। अभी अगर बच्चे ने कर लिया पास हो जाएगा, खत्म बात, इतने में ही हो जाएगा। वंस गुरुजी वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट हेयर स्टाइल, इफ यू डू पार्टीशन फ्रॉम लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू राहु केतु इफेक्ट, क्वेश्चन एक आया है कि राहु केतु में इफेक्ट करता है अगर हम लेफ्ट से राइट बाल करते हैं। देखो इन्होंने बोला कि भाई मैं बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था मैं, कहां से इधर से मांग निकालो, उधर से मांग निकालो। देखो मेरी तो मांग ही खत्म कर दी है मैंने।
जहां मर्जी से मांग निकालो, जब इससे ऊपर उठ जाओगे ना कि इसका क्या हो रहा है, तो रिजल्ट से जुड़ना बंद हो जाओगे। ध्यान ऊर्जा आप में आपके पास रहेगी और भाड़ में भेजो कहां से निकाली मांग, कहां से नहीं। जितने साल बाल बचे एंजॉय कर लो, बाद में ये भी छोड़ जाते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में डेथ होती है इंसान की, पहले बाल धीरे धीरे छोड़ते हैं शरीर को, फिर हड्डियां। गुरु जी, भगवान से प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? भगवान से प्रार्थना करने का सही तरीका यह है, हे भगवान तू भाड़ में जा। समझो इसको, इसको समझो। 24 घंटे सुमरन करो उसका, चाहे बुरा बोलो चाहे भला बोलो, वही रहे अंदर। आपसे मैं नफरत करता हूं, मैं आपसे इतनी नफरत करता हूं, इतनी नफरत करता हूं, 24 घंटे आपके लिए बारे में सोचता हूं। 24 घंटे में जब मैंने आपको 100% ब्रेन देना शुरू कर दिया ना, एक दिन ऐसा आएगा 100% आप मेरे ब्रेन में होंगे। और वो एक पल, एक क्षण में, क्षण भंगुर क्लासेस पर, एक क्षण में प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। आप बहुत प्यार करते हैं किसी से, जान दे देंगे उसके लिए, इतना प्यार। जब 100% हो जाता है ना, फिर वो पलटी खाता है, पूर्ण हो गया। उसके बाद आप उस पर घृणा करते हैं, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, तू उसके साथ घूम रही थी, हो गया। उसी क्षण नफरत, इतनी नफरत के साथ गलाई काट दो। खेल है कि आपने ब्रेन में जगह कितनी दी, लो नफरत करके दिखाओ ईश्वर से। टाइम तो दो, जगह तो दो खोपड़ी में। उड्रू उड्रू, झावेलड्रिन एंड टिक्की टिक्की में क्या डिफरेंस है? उड्रू उड्रू और झावेलड्रिन और टिक्की टिक्की में क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग मिस्टेक। इन्होंने लिखा है सर, माय केतु दशा इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एंड आई ऑलरेडी हैव लॉस्ट माय जॉब एंड डेवलप्ड सो मच फियर एंड एंग्जायटी। पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप अलग से मिले। परमात्मा विल डू, बट व्हेन परमात्मा डज समथिंग बिग फॉर यू, समथिंग यू आस्क्ड एंड इट्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हाउ डू यू कंट्रोल योर एंग्जायटीनेस? ये लो, इन्होंने बट लगा दिया पूरे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए क्वेश्चन का नाश कर दिया। पर इफ, बट, किंतु, परंतु लगाओगे तब तक आपका टिकी टिकी स्थापित नहीं हो सकता। ऊर्जा का कन्वर्जन, आपके पास इतनी ऊर्जा है कि काम आपके थ्रू परमात्मा। जब आपका सूर्य फुली फुल है ना, ये सूर्य यहां से कार्य करता है और ये थर्ड आई पर होता है, आपकी थर्ड आई काम करती है, आपकी थर्ड आई काम करती है, मतलब आपके लिए शिव कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमारा देवता शिव बनाया गया है। और इसका क्या मतलब है, आप कॉस्मोस से पूरे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारे जो चक्र है, इदा और पिंगला, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव साइड, फेमिनिन और मैस्कुलिनिटी, ये गोल गोल घूम के थर्ड आई पे खत्म हो जाते हैं। 49 पेटल्स का चक्र है या दो, और सुपर फास्ट होते हैं, 1024 जीबी की स्पीड से चलता है, जी की स्पीड से, ये इसकी स्पीड बहुत है। अभी हमने 5G निकाला है, हम इतने ज्यादा पावरफुल मशीन्स है कि 1024 पे तो यहां से रोटेट करते हैं, इसलिए 5G कुछ नहीं है। हम 1000 GB तक की मशीन तो खुद बना सकते हैं, पर जब वो बना लेंगे, वो खुद छोटी मशीनें बना लेंगे। एवोल्यूशन में टर्मिनेटर जैसी फिल्में बनेंगी, वो हकीकत होगी, ये अपने आप होगा। तो इसलिए इस बारे में मत सोचो, ये थर्ड आई ऑन हो गई आपकी, आप कॉस्मोस से कनेक्ट हो गए, सारे काम अपने आप होंगे, करने की जरूरत ही नहीं। सर, सब परमात्मा ही करेगा, तो परमात्मा पे छोड़ा तो वो भी नहीं कर रहा। परमात्मा पर छोड़ो, परमात्मा पर छोड़ा पर वो भी नहीं कर रहा, डंडा निकालो कूट दो। करो ना, करो तो सही, छोड़ा ही नहीं तो वो तो पता है मुझे, छोड़ा ही नहीं ना, तभी देखो डंडा निकालो और कूटो। अगला पूछेंगे तो बताऊंगा, पूछेंगे तो कैसे बताऊं? टाइम पीरियड नहीं बताते ना आप, एक्चुअली कितने टाइम तक छोड़ो? मुझे पूछा था नहीं ना कोई। सर, ये गुरु गुरु की गड़बड़ है, जब तक उससे सवाल ना पूछ। क्रैक है ये गुरु आपका, नया ले आओ, नया ले आओ, बता रहा हूं मैं। हां, ऐसे थोड़ी, अब सवाल अगर सारे पता होंगे हमें तो देखो, अब जवाब तो मुझे पता है, अब सवाल भी मुझे पता है, पर अब इतने कितने सवाल पूछवाऊं मैं, पहले सवाल भी भरूं, वहां तक पहुंच जाओ, सही सवाल पूछना, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के जाओगे उस सवाल तक पहुंचोगे, उसका भी आंसर दे दूंगा, पहुंचो तो सही। पूछने वाला तो अज्ञानी है। दबंग के साथ मैंने कहा था हुड़ हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग, तो वो सन्नी देओल का स्टेप था, गाना उसका सलमान का, तो गुरु भी गलती कर जाते हैं, देख लो। तो मेरा भी भरोसा नहीं खास कोई, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि हमारा गुरु सही करेगा तो सही करेगा। आप ही बनाओगे जबरदस्ती, हम तो वैसे गुरु मंटाल समझते हैं खुद को। ये आप जानो, पत्थर में भगवान हमारी कॉन्शियसनेस डालती है, ये कॉन्शियसनेस का खेल है। बिल्कुल, स्पेस एलिमेंट बहुत कम है पत्थर में, हम में स्पेस एलिमेंट अनलिमिटेड है।
हम पता नहीं कॉन्शियसनेस के थ्रू उस स्टोन में क्या बना सकते हैं ईश्वर, यही सनातन धर्म है। यू कैन प्लेस अ गॉड एनीवेयर, इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, ये कहीं भी की जा सकती है। ठीक हो गया जी मेरे ख्याल से? हाँ जी, आज के लिए काफी घमंड हो गया। तो मोटापा मोटापा, अरे बड़ा इम्पोर्टेंट है मोटापा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोटे आते हैं। यस 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 यस, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट लास्ट लास्ट, इसके बाद खत्म, फिनिश। देखो जी, मोटापा, जब एक बच्चे को आप ध्यान देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसकी ऊर्जा पूर्ण हो गई, मेडुला फैट फिट है और सूर्य पूर्ण स्थापित है, थर्ड आई काम कर रही है, उसका जीवन ओके है। ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये छोटा बच्चा बोल रहा है लेकिन बड़ों के साथ भी यही हाल है। आपको ध्यान मिल गया, सब कुछ हो गया, ध्यान लिया क्या हुआ, ऊर्जा आई, आपने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे ऊर्जा मिली है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सूर्य अपने आप ट्रेवल किया मेरे माइटोकॉन्ड्रिया तक और सेल्युलर लेवल पर अपने आप शक्तिवान हो गए। अब मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम सारे ध्यान आपको दे रहे हैं, तो आपका ध्यान, मैं तभी तो मेरी सेहत नहीं बन रही, बन ही नहीं रही, कमजोर, टू मच कर दिया आपने। कोई नहीं, वो मैं ब्लॉक लगाता हूँ, ऊर्जा के गार्ड लगाता हूँ, मैं कहता नहीं तय है। तो क्या होता है जी, अब आपने ध्यान नहीं दिया किसी के ऊपर, ऊर्जा नहीं मिल रही, ऊर्जा लेने का दूसरा स्रोत क्या है, खाना। और अपने आप में क्यों ऊर्जा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सारे टाइम कुड़ा हूं, मेरा दिमाग भी खराब है, मेरा शरीर भी खराब है, मेरा चेहरा ठीक नहीं, मेरी नाक ठीक नहीं, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं, मेरा ये नहीं, कुछ नहीं। ऊर्जा बहुत जल्दी घट रही है शरीर में, ऑटोमेटिकली मुझे ऊर्जा चाहिए, या तो कोई प्यार से पुचकारे, ध्यान दे। ये तभी कहते ना, वो ड्राइवर के साथ भाग गई, क्यों भाग गई, उसको ड्राइवर ने ध्यान दे दिया, यस, उसको ऊर्जा मिली है, वहां से भटक जाती है लड़कियां। इसलिए घर की बच्ची को, कन्या को बहुत ध्यान दो, प्यार से पालो, वो भटक जाएगी बेचारी, फिर मारोगे उल्टा पलट के, समाज इतना गंदा है, लड़कियों को ऊपर अत्याचार करते हैं, लड़कों को कहते हैं जाओ ऐश करो, ये समाज की कमी है, गलती है, गुरुकुल चाहिए हमें, शिक्षा कहां से होगी। अब आपने ध्यान नहीं दिया, वो क्या करेंगे, तो ऊर्जा का अल्टरनेट सोर्स क्या है, भोजन, खाना खाएंगे, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जब टू मच मंचिंग करेंगे, सारा का सारा ब्रेन पे जो प्रेशर था, ब्लड वेसल, सारा ब्लड यहां पर फेंक देंगे पेट पे, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। जैसे पेट में खाना जाता है ना, ब्रेन रिलैक्स होता है यार, खाना खा के बॉडी को अल्टरनेट आराम मिल जाएगा और बॉडी का यह हाथ चलता रहेगा लगातार, खाते रहो और आप मोटे हो जाओगे। आपको बढ़िया ध्यान मिल रहा है, बढ़िया प्रेम मिल रहा है, चलो ये भी कैंसिल कर दिया, आप अपना ध्यान खुद पे देते हो, आपने अपने ही ध्यान को अपने अंदर रखा, अपना ध्यान कहीं वेस्ट ही नहीं किया, आपकी ऊर्जा आप में, आपको कोई चाहिए ही नहीं, आपको खाना भी मोटा नहीं करेगा क्योंकि चाहिए ही नहीं। ये मोटापा इसीलिए आता है क्योंकि ध्यान नहीं मिल रहा। परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे, पत्थर की मूर्ति पे ध्यान लगा के अपनी ध्यान ऊर्जा निकाल दी, खुद पे ध्यान लगाओ, अंदर बैठा है वो परम तत्व, उस पे ध्यान लगाओ, बाहर के पत्थर पे मत जाओ, अंदर के जीते जागते। ये किसने बनाया, भगवान ने, और पत्थर की मूर्ति किसने बनाई, इंसान ने। तो इंसान की बनाई मूर्ति ज्यादा ताकतवर, बढ़िया और अच्छी होनी चाहिए, या भगवान की बनाई हुई मूर्ति उसकी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसे पूजो। नहीं, खुद को पूजना तो भगवान हो गया जी, घमंड हो गया, अच्छा चलो मैंने कहा, मेरे को तो क्या पूजना, चलो भाड़ में गया, मैं भी भेज दो कोई गुरु घंटाल की भी ऐसी तैसी। माँ बाप के पैर छुओ, माँ बाप के पैर छुओ, धरती पे अपने माँ बाप से नफरत करो, गाली बको, फिर भी पैर छुओ, क्यों, डीएनए सेम है, राइट हैंड राइट पैर पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर पे, कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लो, ये रिसीवर्स है हमारे, हार्ट की एक्सटेंशन, ये पैर है, ग्रेविटी, यहां से चार्ज होते हैं धरती से, पैर छू, खत्म हो गया ना स्यापा, नहीं है वाईफाई से छुओ, कुछ नहीं हो रहा, यहीं से मानसिक तौर पे ऊर्जा दो, देखो विचार लाओ, पैर छू के आओ वापस, खत्म बात, नहीं है माँ बाप, गोद ले लो, नहीं ले लो, मानसिक बनाओ, वाईफाई से छू, भाई इतना झुकने लायक अभी अहंकार घटा नहीं, तो वाईफाई से छुओ, दैट्स ओके, क्योंकि ये झुकने नहीं देता ना, इस पे क्लास ईगो की हुई है हमने, वो झुकने नहीं देता मुन्ना, चलेगा उतना ही सही, जो झुक सका झुकाओ, एक्सेप्टेंस कहां से आएगी, मानवता की सेवा करना ही धर्म है हमारा, मानवता की सेवा करना हमारी मजबूरी है, खुद की मजे, खुद को मजे देना हमारा धर्म है, उसके परमात्मा की कला है, जो मूर्ति परमात्मा अंदर बैठा वो अपने आप करेगा, आप कहो परमात्मा की गोद में जे सेक लगा रहे हो, बाहर में गया परमात्मा, परमात्मा मास्टर प्लान, देखो परम आत्मा, वन आत्मा, टू आत्मा, थ्री आत्मा, सो मेनी आत्मा, मिक्सचर परमात्मा, ठीक है, आई हैप्पी, यू हैप्पी, ही हैप्पी, ही हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, अच्छा बोल रहा हूँ, अगर एक कुत्ता, दो कुत्ता, तीन कुत्ता, चार कुत्ता, कुत्ता कुत्ता, तो एक आत्मा सब परमात्मा, एक आत्मा को खुश कर लो,
सब परमात्मा को खुश हो, ये मिरर न्यूरॉन्स है, हमारे परमात्मा ढूंढते रहते हो यहाँ। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। टिक्की टिक्की किया करो, आलू टिक्की आ जाएगी, आलू टिक्की आ जाएगी। Maybe.